यात्राओं से हमेशा कुछ नई जानकारियां मिलती हैं। अंडा उत्पादन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हम चल रहे हैं जनपद सोनभद्र की यात्रा पर। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और नकदी फसलों की खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों की खेती में लागत के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा होता है। कृषि के एक क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सक्षम साबित हो रहे हैं। पारंपरिक खेती से किसी तरह जीवन यापन तो संभव है, लेकिन आर्थिक संपन्नता तो कृषि क्षेत्र में नया करने से ही आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन एक ऐसा ही नया उद्यम बन रहा है जिसमें नियमित आमदनी होती है। लेयर बर्ड फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म से अच्छी कमाई की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में किसान खेती के साथ अंडा उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। जनपद सोनभद्र के प्रवेश द्वार पर अहरौरा घाटी में पहुंचते ही सोनभद्र के अद्भुत सौंदर्य और जीवन के विविध रूपों के दर्शन होने लगते हैं। पूर्वांचल का जनपद सोनभद्र जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, वहीं ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र ऊर्जांचल के रूप में भी अपनी खास पहचान रखता है। सोनभद्र के कई किसान सत्यनारायण, स्वप्निल और सत्यपाल खेती के साथ अच्छी कमाई करने के उद्देश्य से लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। अंडों की निरंतर बढ़ रही मांग के चलते लेयर फार्मिंग में बेहतर संभावनाएं हैं। जनपद सोनभद्र के पन्नूगंज क्षेत्र के युवा किसान स्वप्निल पटेल ने कुक्कुट विकास नीति के तहत सरकारी अनुदान और ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्रेनिंग लेने के बाद स्वप्निल ने सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए अपने मुर्गी फार्म की शुरुआत की। हम लोग गुजरात गए थे घूमने, तो वहाँ पे सूरत में हमने इस फार्म को देखा। एक रेहान पोल्ट्री फार्म के नाम से था, उनका 30,000 का प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने उनका फार्म देखा और वहाँ से हमको यह आइडिया आया। और उसी समय सरकार की योजना आई थी कुक्कुट पालन की, तो हम लोगों ने उसका ऐड देखा और फिर उसके लिए बैंक में अप्लाई किया और वहाँ से हमको 1,25,00,000 का लोन सेंक्शन हुआ और बकिया 55,00,000 हमको अपना प्रोजेक्ट में लगाना पड़ा, खुद का अपना। और उसके बाद हम लोगों ने यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट सिर्फ पूर्वांचल में हमारा ही है।
अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म अलग तरह का होता है। बड़े और हवादार हॉल में छोटे छोटे पिंजरों में मुर्गियों को रखा जाता है। जालीदार पिंजरा ढलान युक्त होता है, उसी में अंडे एकत्र होते हैं। उनके रखरखाव के लिए कुछ विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं कारणों से लेयर फार्मिंग का ढांचा तैयार करने में काफी लागत गिरती है। ये लागत एक वर्ष में निकल आती है। रख रखाव के रूप में भी यहाँ पर दिक्कतें आई। मौसम चूंकि यहाँ का उत्तर प्रदेश का सीजन कुछ विपरीत होता है, तो पंखा और जनरेटर के माध्यम से पानी का भी फुहारा दिवा करके इसको ठंडा किया जाता है, ताकि हर मौसम में मुर्गियाँ जो इसमें पाली गई हैं सही रूप से संचालित होती रहें। अंडा देने वाली मुर्गियों के खरीदने और उनके आहार प्रबंधन और रखरखाव पर भी काफी खर्च होता है। 20 सप्ताह बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं और साल भर तक अंडा देती हैं। एक मुर्गी एक वर्ष में लगभग 290 से 304 अंडे देती है और एक अंडे की बाजार में मौजूदा कीमत इस उद्यम की क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास लेइंग पीरियड में 31,000 बर्ड हैं और 25,000 ब्रूडिंग के स्टेज में हैं, और 31,000 बर्ड में हम लोग को 30,000 अंडा पर डे निकलता है हमारा। और इस समय जो है कि अंडे की डिमांड अच्छी है, क्योंकि हर ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा सोर्स है, जो सिर्फ 5 रुपये में आपको भरपूर प्रोटीन देता है। सोनभद्र और आसपास के व्यापारी स्वप्निल पटेल और सत्य नारायण के फार्म से अंडे ले जाते हैं। बाजार में अच्छी मांग के कारण अंडा उत्पादकों को बिक्री में कोई कठिनाई नहीं है। बिक्री के पूर्व छोटे बड़े अंडों को छांटा जाता है। अंडों के आकार पर ही उनका दाम तय होता है। व्यापारी जो है कि हम लोग तो यहीं से सेल कर देते हैं, ट्रेडर जो भी होते हैं अपना यहीं से आके अपना लेके जाते हैं, और हमारा 2 रिटेल शॉप भी है जहां पे हम लोग छोटे व्यापारियों को वहां से सेल करते हैं। जैसे एक बॉक्स हुआ, 2 बॉक्स हुआ, 3 बॉक्स के लिए हम अपने रिटेल शॉप बनाए हैं, और 2 जगह हम लोग वहीं से छोटे व्यापारियों को सेल कर देते हैं, और जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे आके माल लेके जाते हैं। ये फार्म हमारा 10,000 मुर्गियों का है, और इस मुर्गियों के माध्यम से हमें लगभग 85% के लगभग पोर्शन मिल जाता है, और 85% पोर्शन के तौर पर हमको करीब 8,000-8,500 का लगभग अंडा उत्पादन हो जाता है। और इस अंडा के उत्पादन को यहाँ पर सेल करने के लिए लोकल के ही लोग आते हैं और ले चले जाते हैं। हमको सेल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। मुर्गियों की खरीद, उनके भोजन, रखरखाव और मजदूरी खर्च निकालने के बाद भी लाखों रुपए का शुद्ध लाभ एक औसत दर्जे के लेयर बर्ड फार्म से हो जाता है। सोनभद्र के लेयर फार्म संचालक ने
लाभ हानि का गुणा गणित समझाते हुए हमें ये जानकारी दी। लगभग मतलब कि जैसे 8,000-8,500 अंडा पैदा उत्पन्न होता है, तो उत्पादन होता है, तो मुझे इस फार्म के माध्यम से 4,000-5,000 के लगभग मतलब कि पर डे के रूप में आमदनी मिल जाती है। इस तरीके का एक माध्यम स्रोत है कि हमको अच्छा मतलब कि 4,000-5,000 के लगभग हो जाता है, तो 1-1.5 लाख रुपये महीने के हिसाब से आमदनी हो जाती है समस्त खर्चा उर्चा काटने के बाद में। तो बहुत अच्छा है किसानों के लिए, किसान इस तरीके का फार्म लगाएँ, इसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा। ऐसा है कि अंडे का कॉस्ट जो है कि एक अंडे का कॉस्ट 80% फीड पे डिपेंड करता है, और फीड का कॉस्ट आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल में जैसा कि आपका सोया हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, DRB हुआ, मस्टर्ड हुआ, इस पे डिपेंड करता है ये इसका क्या रेट है मंडी में, इस पे आपका फीड कॉस्ट डिपेंड करता है, और फीड का कॉस्ट आपके अंडे उस पर डिपेंड करता है, और प्लस 10% और अपना आप जोड़ लीजिए अदर लेबर खर्च हुआ, बिजली खर्च हुआ, पानी का खर्च हुआ, 10% जो आपका बचता है उसमें से आपका और लोन का पूरा जो है निकलता है खर्च। एक अंडे पे आपका 30-40 पैसा बचता है, अगर मार्केट अच्छा हुआ तो 40 पैसा और नहीं तो 30 पैसा। ऐसा है कि अंडे का व्यापार में क्या है कि आपको साल भर का जब आप रेशियो निकालते हो तो साल भर में आपको पता चलता है कि कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है इसमें। इसमें हर महीने का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, इसमें साल भर का रेशियो जब आप काउंट करते हो तो आपको पूरा आपका प्रॉफिट पता चलता है। सोनभद्र के पन्नूगंज के अंडा उत्पादक स्वप्निल पटेल लेयर फार्म के साथ ही मछली पालन भी कर रहे हैं। मुर्गियों के बीट से मछलियों के लिए चारा मिल जाता है, और साथ ही मुर्गियों के बीट से बनी जैविक खाद मुनाफे के रूप में मिलती है। एक ट्रॉली खाद 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बेचकर लेयर फार्म संचालक अच्छी कमाई कर रहे हैं। मैन्यूर जो है हम लोग अपने पॉन्ड में भी यूज, हमारा मछली का भी व्यापार है तो हम लोग उसको मैन्यूर जो है मछली में यूज करते हैं, और उसको जो है कि खेत में भी डालते हैं। हम लोग पूरा ऑर्गेनिक खेती करते हैं, 1% भी डाई और यूरिया का यूज़ नहीं करते हैं, और जो बच जाता है मैन्यूर उसको दूसरे फार्मरों को ऑर्गेनिक के लिए जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनको सेल कर देते हैं। और इसका कॉस्ट 1,000 रुपये से 2,000 रुपये पर ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बिकता है। एक वर्ष बाद जब मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं, तब उन मुर्गियों को मांस के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन मुर्गियों को मांस व्यवसायी खरीद लेते हैं। लेयर फार्म संचालक को अंडे से भरपूर आमदनी के बाद मांस के लिए मुर्गियों की बिक्री से भी अच्छी आमदनी हो जाती है। बर्ड अंडा देने के बाद हम लोग इसको कटिंग के लिए बेच देते हैं, मांस जिसमें मांस के लिए बेच देते हैं। और ये आपका मंडी इसका हैदराबाद है, जबलपुर है, MP है, भोपाल है, उधर ये बर्ड बिकने के लिए जाती हैं। अंडा उत्पादन के लिए स्थापित मुर्गी फार्म में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। सोनभद्र के लेयर फार्म संचालक स्थानीय श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। सोनभद्र जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिले में इस तरह के उद्यम श्रमिकों के पलायन को रोकने में भी कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि अंडा उत्पादन के मुर्गी फार्म में वर्ष पर्यंत श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर फार्म के रूप में हमारे यहाँ कम से कम 8-10 व्यक्ति काम कर रहे हैं,
उनको बेरोजगारी से रोजगार मिला है। और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र जंगली इलाका है, आदिवासी इलाका है, यहाँ के लोग कहीं कहीं दूसरे जगह जाया करते थे, लेकिन लेयर फार्म बनने से यहाँ के लोगों को काम करने के लिए अच्छा खासा मौका मिला। अब बाहर जाने से मतलब निजात मिला है, यहाँ पर आकर के 8-10 व्यक्ति इस फार्म में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। और इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने ये अच्छी योजना चलाई है, लोगों को इस रूप से अपने यहाँ भी स्थापित करें ताकि हर क्षेत्र में हर लोगों को बेरोजगार से निजात मिले और अपना काम भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा योजना है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ के लोकल लेबर को ही अपने के यहाँ रखा, जिससे वो पलायन करने से वो बाहर काम करने जाते हैं, वो लोग उन लोगों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है, हम लोग उनको अपने घर में ही काम देते हैं, जिससे उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और जो है अपने घर पे ही वो देख के अपनी खेती बाड़ी में भी को कुशल कर सकते हैं। सोनभद्र के अंडा उत्पादक मुर्गी फार्म संचालक आसपास के दूसरे किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। सच भी है, अभिनव विचार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। कुछ और किसान लेयर फार्म शुरू करने की तैयारी में हैं। सत्यनारायण और स्वप्निल पटेल को मेहनत और लगन से कामयाबी मिली है, उनकी कामयाबी सबके लिए एक मिसाल है।